नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले HDFC बैंक की। अगर हम लोग आज की क्लोजिंग देखें तो 1377 पे क्लोजिंग हुई और हम लोग यहाँ पे गिरावट देखे तो 2.11% हुए। लेकिन अगर हम लोग थ्रू आउट दे देखे जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था तो उस लेवल से स्टॉक में लगभग जो है 3.28% की गिरावट हुई है। अगर हम लोग HDFC बैंक जैसे क्वालिटी बैंक की बात करें तो उसमें 3% की गिरावट होना तो एक बहुत ही कोई बड़ी रीजन होगी, ठोस वजह होगी जिसके कारण आज ये जो है स्टॉक टूटा है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे क्यों ये स्टॉक टूटा है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे जो है लेवल्स और टारगेट लग रहे हैं जहाँ पे स्टॉक रुक सकता है इसकी गिरावट। तो दोस्तों स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला रहेगा ये न्यूज क्यों ये स्टॉक टूटा आज के दिन, और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि कौन से लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है स्टॉक को, कहाँ पे हम लोग फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता है इस इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ जिसके वजह से आज HDFC बैंक में हमें जो है गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अगर हम लोग ये गिरावट देखें तो इस गिरावट के बाद यहाँ पे HDFC लॉस्ट 2 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन, तो बहुत बड़ा मार्केट वैल्यूएशन इनका घट चुका है आज के दिन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्यों घटा है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज टू टेम्परली स्टॉप, तो यहाँ पे ऑल लॉन्चेस ऑफ इट्स अनकमिंग डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज सोर्सिंग ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, तो इन तरह की सेवा जो है बैंक पे जो है रोक लगा दी गई है जिसके कारण यहाँ पे जो है HDFC बैंक में लगभग यहाँ पे जो है 2-3% की गिरावट हुई और जिसके कारण यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनका जो है मार्केट कैप है आज के दिन 2 बिलियन जो है डॉलर घटा है। अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े कि RBI ने यहाँ पे क्यों बैन लगाया है जिसका कारण हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस इज द थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल सर्विसेज दैट HDFC बैंक कस्टमर हैव फेस्ड इन पास्ट 2 इयर्स, तो पिछले 2 साल में यहाँ पे 3 बार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हुआ है इनके डिजिटल सर्विसेज में। डिजिटल सर्विसेज माने जो भी हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं या फिर जो भी बैंक की डिजिटल सर्विसेज जो है प्रोवाइड होती है, तो उसमें 3 बार डिस्क्रिप्शन हुआ है पिछले 2 साल में। और देखा जाए तो इतने बड़े कंपनी के लिए, बैंक के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है इतनी डिस्क्रिप्शन होना, तो जिसके कारण यहाँ पे RBI ने जो है इनके ऊपर बैन लगाया है यहाँ पे न्यू डिजिटल सर्विसेज लॉन्चिंग के लिए एज वेल एज यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के लिए। चलिए दोस्तों करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग इस एरिया को देखें तो ये प्री कोविड लेवल एरिया निकल के आ रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी का मंथ जहाँ पे स्टॉक 1250 रुपए के आसपास चलता था। जब मार्केट गिरा तो इस स्टॉक ने जो है मार्च अप्रैल मंथ में जो है 750 रुपए का लो टच किया, लेकिन अगर हम लोग वहां से देखें तो कंसिस्टेंटली अच्छी खासी रैली स्टॉक में हुई। और अगर हम लोग करंट लेवल पे देखें तो करंट लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। करंट लेवल पे स्टॉक की जो है लास्ट क्लोजिंग 1380 निकल के आ रही है। अगर हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करें तो वॉल्यूम के इस पे एक रेड जो है यहाँ पे वॉल्यूम बना है, लेकिन अगर हम लोग पहले के वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो इतना ज्यादा जो है वॉल्यूम में हमें सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं स्टॉक जो है कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, और जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अराउंड 1450 रुपए के आसपास का, तो उसके ऊपर स्टॉक यहाँ पे जब भी जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सेल ऑफ आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे पहले सपोर्ट की बात करें जो इसका प्योर पॉइंट निकल के आ रहा है 1360 रुपए का, तो उसके आसपास स्टॉक पहला सपोर्ट ले सकता है, दूसरा सपोर्ट स्टॉक का 1260 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा खासा जोन निकल के आ रहा है। अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो अगर स्टॉक आपको यहाँ पे लगभग अगर हम लोग ये रेंज कंसिडर कर लिए तो 1340 रुपए से लेके अगर 1360 रुपए इस रेंज में कहीं स्टॉक आपको मिलता है तो यहाँ पे आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस पॉइंट को देखा तो यहाँ पे स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, इसी रेंज के आसपास, तो यहाँ पे आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए इस पर्टिकुलर जो है जोन को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो और फ्रेश बाइंग कर सकते हो एज अ एग्रेसिव। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव टाइप के निवेशक हो, आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, उनके लिविल लेवल में बता देता हूँ। अगर आपको ये स्टॉक कहीं इस लेवल से यानी कि 1220 रुपए से लेके अगर यहाँ पे 1280 रुपए इस रेंज में भी कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे भी फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अक्टूबर मंथ में स्टॉक ने जो है यहाँ पे 2 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और ये लेवल इसी जो है बैंड में निकल के आ रहा है। तो अगर स्टॉक इस लेवल से भी थोड़ा नीचे गिर जाता है तो इस लेवल पे आप एज अ कंजर्वेटिव निवेशक यहाँ पे खरीदारी करने के लिए सोच सकते हो। दोस्तों दोनों लेवल मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए आप सोच सकते हो। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन बना के रखा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है। इस टाइप की न्यूज आती रहती है लेकिन इस टाइप का स्ट्रांग स्टॉक बहुत ही जल्दी खुद को रिकवर कर लेता है। दोस्तों अगर होल्डिंग है आपकी
तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ये जो पर्टिकुलरली जो है एरिया दिए है, इसमें जो है आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।